भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत भीगनपुर गुमटी नंबर 2 के समीप बाइक लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान चाकूबाजी की घटना भी हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुमटी नंबर 2 के समीप मुर्गा दुकानदार मोहम्मद सोएब कुरैसी के गर्दन पर चाकू लगा है, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। पूरे मामले को लेकर घायल के पिता मोहम्मद अख्तर कुरैसी ने बताया कि पार्किंग को लेकर पूरा विवाद जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अजमेरी मीट की दुकान के मालिक बबलू कुरैसी कई अरसे से मीट की दुकान चला रहे हैं और मीट की खरीदारी को लेकर दुकान के बाहर काफी भीड़ जमा रहती है और कस्टमर की गाड़ी उनके दुकान के आगे लगने से वहीं दुकान के आगे गाड़ी खड़ी रखने के बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद यह घटना मारपीट में तब्दील होगी। इसी दौरान बबलू ने तेज धारदार चाकू से सोराब के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वह जख्मी हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि वे लोग काफी भयभीत हैं और दुकान चलाने से अब वह डर रहे हैं। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। ना था यही कि हमारा मुर्गी का दुकान है, इनका खस्सी का दुकान है, जबकि हमसे उससे कोई तरह का कभी कोई तरह का बात नहीं। आज कुछ हुआ होगा, उसी में जो छुरी उठा के उसके गर्दन पे मार दिया। कौन मारा? उसका पापा का नाम है नन्नू कुरैसी। जो मारा है? मारा है, जिसका नाम है बबलू। जो घायल है? जो घायल है उसका नाम है सोराब जी। वो क्या करते थे? वो मुर्गी का दुकान है बगल में, अब मारने वाले का खस्सी का दुकान है बगल में। आखिर किस बात को लेकर लड़ाई? कोई बात नहीं, उससे हमसे कभी कोई तरह का बातचीत भी नहीं हुआ, लेकिन ये तकलीफ होता है कोई कस्टमर आ गया गाड़ी ताड़ी लगाई, उसी में उन लोग थोड़ा सा दौलत कमाया हुआ है, गाड़ी लगाने नहीं देता। दबंग टाइप का? दबंग टाइप का, बहुत दबंग। किस चीज से वार किया है? बड़ा छुरी, बहुत तेज हथियार से। उसका तो हथियार का काम है सर, खस्सी काटता है, उसका हथियार का काम है, बहुत तेज हथियार से मारा गर्दन पर, जरा सा खाली नस पर लटका हुआ गर्दन। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अख्तर कुरैसी। आपके पिताजी उनके? अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर से जदयू विधायक और नीतीश कुमार के काफी करीबी गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। गोपाल मंडल ने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन 40 के 40 सीट जीतने नहीं जा रही है। उन्होंने एनडीए गठबंधन के 32 सीट जीतने का दावा किया है। दरअसल बुधवार को विधायक गोपाल मंडल अपने निजी कार्य से सीनियर एसपी के कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री अगर देश भर में अच्छा काम किए होते तो बिहार में उन्हें 40 के 40 सीट मिलती, लेकिन इस बार एनडीए को 32 सीट से ही काम चलाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने वर्तमान सांसद अजय मंडल को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के लिए ना ही सांसद के द्वारा उन्हें गाड़ी मुहैया कराई गई और ना ही ईंधन, तो वोट उन्हें कैसे दिलवाते। हम सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 32 सीट लाए, 40 में पूरे। क्या कारण लगता है? कारण कहाँ क्या है नहीं है, कितना पूछिएगा। नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, उनके खिलाफ क्या बोलेंगे भाई? आप लोग बोलवाना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते, क्या बोलेंगे? अगर देश के लिए अच्छा काम किए होंगे 40 को 40 40 मिलेगा, देश के लिए अच्छा काम नहीं किए होंगे 40 को 40 नहीं मिलेगा। प्रभाव घटा है क्या उनका? हमें प्रभाव घटा भागलपुर में अजय मंडल अजीत शर्मा, आपसे हमसे तो अच्छा आप ही बता सकते हैं। आप सब जो घूमे हैं, जितना न्यूज आप ली हैं, फीडबैक आप ही देते हैं, सब कुछ आप लगातार नजर बनाए हुए थे। नजर हम बैठे हुए थे, अजय हमको गाड़ी नहीं दिया, ना गाड़ी दिया, ना कुछ दिया, ना तेल दिया, हम बैठे रह गए। आपसे फोन नहीं किए, वो बात नहीं किए आपसे? आए थे बात करने के, हम कह दिए अजीत शर्मा के पास पैसा, तुमको पैसा खर्च करना पड़ेगा, हम भी लेंगे आपकी बार, अगला बार नहीं दिया था, उधर गया तो उधर बोल दिया लोगों को, ढेला फेंकल खाली, तब ढेले फेंका तो ढेला फेंकल गए खाली। अजीत शर्मा भी क्या बात किए थे आपसे? अजीत शर्मा से क्यों बात करेंगे भाई, वो हमारे पार्टी का लोग नहीं है, हम घर में बैठे रह गए। आपका अनुभव क्या बता रहा है सर? हमारा अनुभव क्या बताएगा, अगर जो जितना पब्लिक से संपर्क किया होगा वो जीतेगा।
भागलपुर विशेष पॉक्सो न्यायाधीश लवकुश कुमार की अदालत ने अप्राकृतिक यौनाचार के बाद गला घोटकर हत्या के एक केस में दोषी संदीप आनंद को उम्र कैद की सजा सुनाई। मंगलवार को निर्णय देते हुए विशेष न्यायाधीश ने हत्या, अप्राकृतिक यौनाचार और पॉक्सो एक्ट में उसे सजा सुनाते हुए अर्थदंड देने का भी आदेश दिया। वहीं अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। विशेष न्यायाधीश ने पीड़ित पक्ष को 6,00,000 रुपए की आर्थिक मदद पीड़ित सहायता कोष से देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। वहीं सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने बहस में भाग लिया। मालूम हो कि तिलका मांझी थाना क्षेत्र में रहने वाली मृदुला देवी के यहाँ नौकरानी का काम करने वाली एक महिला अपने 12 वर्षीय पुत्र को भी मकान मालिक के घर पर ही रखा करती थी। वह तिलका मांझी स्थित एक स्कूल में पढ़ाई करता था। उक्त छात्र की 4 जनवरी 2017 को गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। उसके साथ मकान मालकिन मृदुला देवी के पुत्र संदीप आनंद ने अप्राकृतिक यौनाचार कर घर के कमरे में ही गला घोटकर हत्या कर दी थी। फिर उसे फांसी लगा देने का रूप देते हुए पुलिस की जांच को भ्रमित करने की भी कोशिश की थी। 4 जनवरी 2017 की दोपहर संदीप आनंद की मां मृदुला देवी ने बच्चे के पिता को कॉल कर सूचना दी थी कि उसके बच्चे ने फांसी लगा लिया है। बच्चे के पिता बदहवास हालत में भागते हुए अपनी मालकिन के घर पहुंचा, जहां उसका बेटा मृत पड़ा था। वहीं आसपास के लोगों से उसे जानकारी हुई कि उसके बेटे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया गया था और पकड़े जाने के डर से उसकी संदीप ने हत्या कर दी थी। जो है एक सजा हुआ 377 में, 377 में 4 पॉक्सो एक्ट में और 302 में सजा हुआ। 377 376 जो हम बोल सकते हैं उसमें 10 वर्ष हुआ और 4 पॉक्सो एक्ट में जो है उसमें भी 10 वर्ष किया। 302 में जो लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ। ये घटना जो है तिलका मांझी थाना कांड संख्या 14-17 का है। ये घटना 7/4/17 का है कि ये जो है राजू ताती का लड़का वहाँ जो है जो संजीव ताती के यहाँ नौकरी करता था, काम करता था, वहीं लिखे पढ़ता था। ये उसके बाद जो उसी दिन जो है घटना का दिन जो है उसके लड़का के साथ यही है कि बलात्कार करने के बाद उसको मार दिया गया। इस पर जो है 7-8 गवाह जो है गुजारा गया। उसमें 2 आदमी 3 आदमी एक्यूज था, एक मृदुला देवी को डिस्चार्ज करके हटा दिया गया। फिर ये जो राम प्रवेश चौधरी था वो नौकर था, उसको भी छोड़ दिया गया है। आज इसको जो संदीप चौधरी जो है इस पर पूरा गवाह हुआ। आज इसको पूरा शक के आधार पर ठोस प्रमाण के आधार पर जो है आज सजा के बिंदु पर हुआ। सजा के जो है इसमें 377 में और 4 पॉक्सो एक्ट में जो है 10-10 वर्ष और 302 में लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। कहलगांव अमडंडा थाना क्षेत्र के मदारगंज पंचायत स्थित घोटियानी सवतारी टोला में एक अधेड़ व्यक्ति का शव तालाब से बरामद हुआ है। मृतक व्यक्ति की पहचान घोटियानी सतौरी टोला निवासी स्वर्गीय विटका हांसदा के 30 वर्षीय पुत्र संजय हांसदा उर्फ मास्टर हांसदा के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी सावित्री मुर्मू ने बताया कि कल 3 बजे से ही खाना खाकर वह घर से निकला था, लेकिन देर शाम जब घर वापस नहीं आया तो उसकी काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। बुधवार की सुबह घर के बगल में बने छोटे से तालाब में उसका पैर दिखाई
दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से सब को बाहर निकाला गया। परिजनों ने देखा कि आंख के पास गहरी चोट लगी है और कान से ब्लड भी निकला है। उसकी पत्नी ने कहा कि इससे साफ होता है कि मेरे पति को किसी ने पीट पीट कर मार दिया है और सबको छिपाने के लिए तालाब में फेंक दिया। यानी कि कितने रात में है? कल 3 बजे घर से निकल गया है। कैसे हुआ? अब कैसे हुआ वो तो पता नहीं, तो रात में भी खोजने गए गांव, नहीं मिला। आज भी सुबह से 4 बजे से खोजने पूरा गया, अभी 10:30 बजे लंच से मिला। सही, किसी से दुश्मनी था क्या? ना, कोई दुश्मनी नहीं। तो इस तरह का पता नहीं कैसे। पति का नाम संजय है। बच्चा पुत्र भी आपको? हाँ, 3 बच्चा, 2 बेटी 1 बेटा।